आज मैं आपको सिखाऊंगी परफेक्ट चॉकलेट चिप कुकीज, बिल्कुल बेकरी जैसे, ओवन और विदाउट ओवन दोनों तरीके से। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन दबाएं, उसे दबाना ज़रूरी है ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिल सके। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मक्खन हाफ कप, मक्खन की जगह आप इन कुकीज के अंदर घी भी यूज कर सकती हैं। इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर ब्राउन शुगर हाफ कप। जिन लोगों को ब्राउन शुगर नहीं मिलती उनकी आसानी के लिए बता रही हूँ कि वो इसके अंदर गुड़ भी यूज कर सकते हैं, तो गुड़ को बिल्कुल पिसी हुई चीनी की तरह कर लें और इसके अंदर शामिल कर दें। क्वांटिटी सेम रहेगी चाहे ब्राउन शुगर यूज करें या गुड़ हाफ कप। इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर सफ़ेद पिसी हुई चीनी हाफ कप। दाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर बीट कर लेंगे। इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर एक अंडा। अंडा पहले ही चेक कर लीजिएगा। डाल के इसे भी अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए मैदा, लास्ट भी छन्नी से छान के डालेंगे। मैदा मैंने यहाँ यूज़ किया है 1 कप और 3/4 कप, ग्राम्स में 175 ग्राम है। इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून। और 2-3 दफ़ा में छन्नी से छान के डालेंगे। डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है। इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर चॉकलेट चिप। चॉकलेट चिप मैंने टोटल यूज करी है 1 कप। अब देखिए इस तरीके का डो हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम इसे रख देंगे फ्रीजर में 10 मिनट के लिए। और अब हम ट्रे को ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से। अब 10 मिनट हो गए हैं, बॉल्स बना लेते हैं। बॉल्स देख लें किस तरीके से मैं बना रही हूँ। ये मैंने सारे कुकीज़ बना लिए हैं और अब चलते हैं बेक करने की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको विदाउट ओवन बताऊंगी। तो इसके लिए आपको चाहिए मोटा और बड़ा भगोना, और इसके अंदर आप कोई भी छोटा भगोना रख देंगी। इसके बाद आप इसमें रख देंगी कुकीज़ की ट्रे और कवर कर देंगी इसे और डाल देंगी इसके ऊपर कोई भी कपड़ा
ताकि अंदर की गर्म एयर बाहर ना निकले। और अब मैं आपको इसकी टाइमिंग बता देती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप 1 मिनट मीडियम फ्लेम करेंगी और उसके बाद आग हल्की कर देंगी 25 से 30 मिनट के लिए। तो 25 से 30 मिनट के अंदर चॉकलेट चिप कुकीज़ बिल्कुल रेडी हो जाएंगी विदाउट ओवन। अब इसे निकाल लेते हैं। ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और इतनी देर चलते हैं ओवन में बेकिंग करने की तरफ। इसके सबसे पहले ओवन को प्रीहीट करेंगे 180 सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए। उसके बाद बेक करेंगी 150 सेल्सियस पे 25 से 30 मिनट के लिए। तो ओवन में चॉकलेट चिप कुकीज़ 25 से 30 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। जब कुकीज़ गर्म होते हैं तो वो नरम होते हैं हल्के से, लेकिन जब ठंडे होंगे तो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे, जैसे बिल्कुल बाज़ार से आते हैं। इसलिए इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये कम्प्लीट ठंडे हो जाएँ तो ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अगर से वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि आप आइंदा भी ऐसी क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।